राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ में चलाए जा रहे अभियान के तहत सुमेरपुर उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं इस बैठक में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देबल ने उच्च अधिकारियों को अवैध खनन के संबंध में सघन जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ में सख्त है। हालांकि सुमेरपुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन के बारे में अभी तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है तो एसडीएम ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं जी, मैंने मुख्यमंत्री की मंशा महोदय की मंशा अनुसार सुमेरपुर उपखंड के अंदर जो अवैध माइनिंग के संबंध में आज हमने मीटिंग रखी है, जिसमें एमई साहब पधार हैं और हमारे पुलिस के और वन विभाग के अधिकारी आए हैं। तो सुमेरपुर उपखंड में अभी तक हमारी चर्चा के अनुसार में ऐसे इलीगल माइनिंग का कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक तो बजरी का जो लीगल टेंडर हो रखा है, लीज हो रखी है, तो वो उसका है। बाकी दो तीन गांवों के अंदर है जो कोलीवाड़ा, नेत्रा और यहाँ पर ग्रेनाइट की जो लीज है। तो अभी तक ऐसे हमने जो प्राइम ऑफिस सर्वे भी करवाया था बीट कांस्टेबल और पटवारी से, तो हमारे पास केस सामने नहीं आए, लेकिन एक बार हम चर्चा करेंगे और कहाँ कहाँ ऐसी कोई संभावना है इलीगल माइनिंग को उसको अपन देखेंगे और अवैध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।